आज सुबह अचानक प्रशासनिक अमला और नगरपालिका की टीम द्वारा अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई गई। गुरुवार सुबह धार SDM दीपाश्री गुप्ता और CSP देवेंद्र ध्रुवे की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने को लेकर अमला इंदौर नाका पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में किए गए अतिक्रमण और वहां लगी घुमटियों को हटाया गया। आपको बता दें कि इंदौर नाका के चारों ओर शासकीय स्कूल सहित महाविद्यालय भी मौजूद है। वहीं बड़ी संख्या में क्षेत्र में अतिक्रमण भी फैला हुआ है, जिससे धड़ल्ले से तंबाकू से बने उत्पाद और अवैध नशा व शराब बेचने की भी शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं। वहीं इंदौर नाका से अतिक्रमण हटाने के बाद टीम घोड़ा चौपाटी क्षेत्र में पहुंची, जहां से अतिक्रमण हटाया गया। घोड़ा चौपाटी क्षेत्र में भी चौराहे के चारों ओर बड़ी संख्या में लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिससे यातायात भी बाधित होता है। वहीं मोदी पेट्रोल पंप से सहता हॉस्पिटल की ओर जाने वाले मार्ग पर भी निजी वाहनों ने घेर रखा है और पूरे मार्ग पर अवैध पार्किंग कर रखी है, जिसको लेकर आए दिन जाम की स्थिति बनती है। साथ ही कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। इसको लेकर धार SDM दीपाश्री गुप्ता ने आज टीम के साथ लेकर इंदौर नाका क्षेत्र और घोड़ा चौपाटी क्षेत्र में अतिक्रमण हटवाए हैं। SDM का कहना है कि धार शहर में अतिक्रमण की मुहिम लगातार जारी रहेगी। इस दौरान नौगांव थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह चडार सहित पुलिस बल भी मौजूद रहा। देखो स्कूल है, बच्चे आते हैं, यहाँ सिगरेट पीते हैं लोग, कमेंट्स करते हैं, स्टाफ का आता बस स्टैंड का, आगे से मत लगाना इसको।